वेलकम टू एसन स्टडी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए बारे में दोस्तों आप लोग काफ़ी इस दिनों से परेशान हैं कि परीक्षाएँ कब होंगी वैसे भी छः साल बाद जो है दोस्तों इसकी इसका परिणाम जारी किया गया था लेकिन दोस्तों अब ऐसी संभावना बन रही कि है कि परीक्षाएँ जरूर संभव हो सकती हैं अगर सरकार प्रयास करे और आयोग भी इसमें अगर साथ दे तो परीक्षाएँ निश्चित तौर पर हो सकती हैं इसमें जो लॉकडाउन है ये भी कोई जो है विशेष कारण नहीं हो पाएगा देखिए बहुत से ऐसे परीक्षाएँ हैं जो कि करवाई जा रही हैं चूँकि आप सबको पता है कि बिहार में अगस्त में जो है लॉकडाउन पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया है इसलिए अगस्त में तो कोई परीक्षा संभव नहीं है लेकिन अगस्त के बाद दोस्तों जो है पूरी तरह से परीक्षा संभव है तो आपको दोस्तों परीक्षा के लिए तैयार रहना भी ज़रूरी हो सकता है तो देखिए इसी के लिए हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो बी संयुक्त की प्रवेश परीक्षा होने वाली थी देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना है कि देखिए जो उत्तर प्रदेश में बी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा थी है इसमें लगभग चार लाख तीस हज़ार छात्र जो हैं परीक्षा देने वाले हैं लेकिन ये परीक्षा दोस्तों कैंसिल नहीं हो रही है और ये 9 अगस्त को ही आयोजित की जा रही है और लॉकडाउन के कारण देखिए आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है फिर भी ये परीक्षा रविवार को ही आयोजित की जा रही है लखनऊ विश्वविद्यालय ने देखिए जो है ल, जो है सरकार से परमिशन ले लिया था और उसे परमिशन मिल भी गया था तो इसी भी प्रकार से इसी प्रकार से अगर बिहार जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग चाहे तो सरकार से परमिशन लेके इसी वर्ष जो है निश्चित तौर पर बी एस एस मेन्स की परीक्षाएँ आयोजित करवा सकती है इसी के बारे में बात करने वाले है। अब हैं अब दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं कि इस नोटिस में लिखा क्या है जो प्रेस नोट जारी किया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से देखिए क्या लिखा है बहुत ध्यान से आपको समझना देखिए लिखा है कि आगामी नौ अगस्त दो को आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी एड दो के सभी अभ्यर्थियों को एत द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रवेश परीक्षा के सुचारू संचालन की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो इसके हेतु सरकार उत्तर प्रदेश जिला जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की सुरक्षा हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वर्तमान में कोविड नाइन्टीन के कारण बदलती हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त प्रोटोकॉल एवं निर्देशों का पूर्ण पालन कराया जा रहा है इस हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी की थर्मल स्कैनिंग व सभी परीक्षा कक्षों पर फर्नीचर इत्यादि को सैनिटाइज कराने की पूरी व्यवस्था की गई है परीक्षार्थियों को सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक निजी यातायात जैसे कि टेम्पो टैक्सी ओला उबर प्राइवेट व सरकारी बसें इत्यादि दिनांक आठ व नौ अगस्त को सुचारू रूप से चलती रहेंगी सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र के आवागमन की प्रवेश पत्र के जो साथ है आवागमन की सुविधा जो है सरकार के द्वारा दे दी गई है आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए निर्भय होकर संयुक्त तो प्रवेश परीक्षा बी एड दो में सम्मिलित हों आयोजक विश्वविद्यालय उनकी सुरक्षा व स्वास्थ्य हेतु पूर्णतः जागरूक है तथा सभी वांछित व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं अब देखिए इस परीक्षा में लगभग चार लाख तीस हज़ार लोग शामिल होने वाले हैं फिर भी ये परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रहा है लेकिन आप सभी को पता होगा कि जो बी एस इंटर लेवल मेन्स है इसमें मुश्किल से पचास से साठ जो विद्यार्थी हैं उन्हें एग्ज़ाम देना है आप सभी पता होगा क्योंकि तिरसठ लोग पास हुए थे तो आपको याद रखना तिरसठ हज़ार ज़्यादा जाद तो हो नहीं पाएंगे तो पचास से साठ हज़ार छात्रों को जो है इसमें परीक्षा में बैठना है तो अगर बिहार सरकार चाहे और बिहार कर्मचारी चयन आयोग चाहे तो इस परीक्षा को आसानी से करवाया जा सकता है और इसी वर्ष देखिए इकतीस अगस्त तक जो है आपका बिहार में लॉकडाउन है लेकिन अगस्त के बाद से लॉकडाउन खुल जाएगा और अगस्त के बाद देखिए सितंबर में अगर सरकार चाहे और आयोग चाहे तो सितंबर में परीक्षा करवाई जा सकती है अगर सितंबर में किसी कारण से परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती है तो अक्टूबर में जो है ये परीक्षा निश्चित तौर पर आयोजित करानी चाहिए सरकार द्वारा देखिए आपका इसमें क्या मत है कि परीक्षा कब होनी चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बिहार सरकार आराम से परीक्षा करवा सकती है अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव हो भी होने वाले हैं तो बिहार सरकार चाहेगी कि ये परीक्षा करवा लिया जिससे सरकार को भी इससे फ़ायदा हो जाए दोस्तों यही ये आज खबर थी देखिए यूपी सरकार जो है विभिन्न सुविधाओं के साथ यानी कि जो विभिन्न सावधानियां होती हैं कोविड नाइन्टीन की उन सावधानियों को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो है ये परीक्षा करवाने के लिए पूरी मन बना ली और 9 अगस्त को ये परीक्षा करवाया जाएगा तो इसी प्रकार से बिहार में जितनी परीक्षाएँ होने वाली जैसे कि बी एस एस सी मेन्स बिहार दरोगा पैसठवीं जो बी है इसके अलावा जो बिहार में ई की परीक्षा है इन सभी परीक्षाओं को निश्चित तौर पर आयोजित करवाया जा सकता है दोस्तों हमारा भी यही विचार है कि सरकार जल्द से जल्द परीक्षा करवाने पर ध्यान दें और जो छात्र इतने दिन से परेशान हैं उनकी दोस्तों बात को सुना जाए और जो है ये परीक्षा निश्चित तौर पर सही समय पर संपन्न करके उनको नियुक्ति दोस्तों दिया जाए का क्योंकि वो काफ़ी छः साल से इंतजार कर रहे हैं और इतना इंतजार करना भी छात्रों के लिए भविष्य के लिए सही नहीं होगा दोस्तों आपका इसमें क्या विचार है मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा जैसे कोई अन्य सूचना आती है आपको ज़रूर दी जाएगी दोस्तों चैनल पर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद